This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नहीं है उसका, ठीक है। तो मैंने लास्ट लाइव इसको करवाया हुआ था, ब्लाइंड एस्केप इंजेक्शन विद टाइम डिले, जिसमें हमने पीजी स्लीप वगैरह का देखा हुआ था। सेम वही है, टाइम डिले के ऊपर ही लाइव है ये, नेक्स्ट लाइव भी हमारा। और ब्लाइंड में तो पता ही होगा, ब्लाइंड में हमको कोई रिस्पॉन्स डायरेक्ट एरर के थ्रू नहीं दिखाई देता। वो हमें फाइंड करना पड़ता है, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कौन से पैरामीटर पर वर्क कर रहा है। और दूसरी बात, अभी तो ये टाइम बेस्ड है, बट अगर नॉर्मल जो ब्लाइंड बेस्ड होगा, वहाँ पे हमने जो लैब किया हुआ था लाइक 9th या 10th लैब, उसमें हमने परफॉर्म किया हुआ था, वहाँ पे हमको वेलकम बैक का मैसेज दिखाई दे रहा था ना कुछ नया पैरामीटर हमको मिलेगा, कुछ नई वैल्यूज हमको मिलेंगी। तो बस उसी को हमको फाइंड आउट करना है कि हाँ क्या कुछ सर्वर कुछ ऐसा है कि जो वो एडिशनली हमको रिप्लाई दे रहा है, तो उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ डेटाबेस से फेस होके डेटा आ रहा है कुछ की नहीं। ठीक, ओके ओके। ये हमारा लैब है 14 नंबर, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिलेज एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ओके, लैब का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, ये तो पता ही है। द एप्लीकेशन यूज द ट्रैकिंग कुकीज अगेन इस जो है वो वल्नरेबल है। फॉरेनर परफॉर्म अ एसक्यूएल क्वेरी कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ सबमिटेड की, द रिजल्ट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी आर नॉट रिटर्न। ये चीज मैंने अभी बताया कि इसमें तुमको डायरेक्ट रिटर्न नहीं होगा कोई भी एरर, कि तुम डिटेक्ट कर पाओ नहीं यहाँ पे एसक्यूएल आई वर्क कर रहा है या नहीं, किसी ना किसी करेगा। बट एक चीज़ और है, यहाँ पे फंक्शन भी क्या पता ना मिले तुमको, क्योंकि ये टाइम डिले का लैब है। तो यहाँ पे हम, अगर तुमने लास्ट लैब किया होगा, हमने यूज किया हुआ था पीजी स्लीप करके कमांड था, उसके थ्रू हम सर्वर पे 10 सेकंड का टाइम डिले इंटर करा रहे थे। 10 सेकंड के बाद हमको सर्वर का रिप्लाई मिले, मतलब रिस्पॉन्स आए और वो सक्सेसफुली रन कर रहा था। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन डज नॉट रिस्पॉन्ड एनी डिफरेंटली बेस्ड ऑन वेदर द क्वेरी रिटर्न्स एनी रो और कॉज एन एरर, ये बता दिया मैंने। हाउएवर सिंस द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड सिंक्रोनसली, इट इज पॉसिबल टू ट्रिगर कंडीशनल टाइम डिले टू इन्फर इंफॉर्मेशन, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने बताया, हम यहाँ पे टाइम डिले के पेलोड या कमांड का यूज करके डिटेक्ट करेंगे क्या उतना टाइम ले रहा है सर्वर रिस्पॉन्स करने में, लाइक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, कुछ भी। The database contains a different table called users with columns called username and password. You need to exploit the blind SQL injection vulnerability to find out the password of the administrator user. Okay? तो हमको यहाँ पे एक टेबल मिल रहा है यूजर्स का, और उसके अंदर दो कॉलम है username and password के। हमको बेसिकली इस टेबल से एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड फाइंड आउट करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन का यूज करूंगा जितने भी कमांड्स होंगे, क्योंकि इसमें कमांड्स बड़े लंबे हो जाते हैं, टाइप करने में ना दिक्कत होती है, ठीक है। ओके, हमको यहाँ पे चिट शीट ये दे रहा है, चिट शीट तो ऑलरेडी है। प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री एंड गेट रिक्वेस्ट, ये रहा ब्राउजर का, हम रिपीटर पे सेंड करेंगे। ये सेक्शन हमारा SQLi से वल्नरेबल है, इसको चेक करने के लिए हम सिंगल कोट, बट ध्यान देना हम यहाँ पे अगर सिंगल कोट एंटर भी करेंगे तो भी क्या पता ये ना करे, क्योंकि ये ब्लाइंड बेस्ड है, ठीक है। ये 200 ओके दिखा रहा है, बट हमें लैब के डिस्क्रिप्शन में पता है कि हमारा SQLi यहाँ पे वर्क करेगा। उसके लिए हम पहले ट्राई करते हैं अपना टाइम बेस्ड का पेलोड कोई भी। लास्ट लैब में हमने पोस्ट एसक्यूएल के ऊपर किया हुआ था ना। ओके, हमारा पेलोड कुछ ऐसा होना चाहिए।
एंड सिलेक्ट क्वेरी अगर हम रन कराएंगे तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा पैकेट लगेगा हमारा, एंड इसको क्लोज करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द कोड को हम कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर उतने टाइप का स्लिप होता है तो इसका मतलब हमारा हाँ, अगर ये सर्वर हमारा 10 सेकंड का टाइम डिले दिखाता है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा एसक्यूएलआई वर्क कर रहा है, और इसको हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट में कितने मिलीसेकंड का ले रहा है। लाइक ये 10,000 टपर जाएगा समथिंग, ठीक है, ओके तो सेंड करते हैं। बट ये नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों? एक सेकंड, मैंने मे बी URL इनकोडिंग नहीं की हो इसकी वजह से। नहीं, उसको भी नहीं ले रहा। किया है ना, सेलेक्ट पीजी स्लीप, 1 सेकेंड करना चाहिए वैसे, या तो फिर डेटा डेटा टाइप का भी एरर हो सकता है, जरूरी नहीं पोस्ट ग्रेएसक्यूएल यू, बट मैं ट्राई करूंगा। मैं काम करता हूँ, सेलेक्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। और एक गलती और मैंने की थी, स्लिप 10 के बाद जो ब्रेकेट है उसमें एक ब्रेकेट और लगाना था वहाँ पे, वही गलती। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये भी वर्क करेगा, मे भी मेरा शायद ये वर्क कर रहा ऐसा है, देख लेते हैं। कोई दिक्कत, अगर ये 10 सेकंड का टाइम लेता है रिस्पॉन्स देने में, देखो इसने लिया ना 10,182 मिलीसेकंड, ओके। इसका मतलब हमारा ये जो ट्रैकिंग आईडी का सेक्शन है ये एसक्यूएलआई से वल्नरेबल है, बेसिकली ब्लाइंड एसक्यूएलआई विद टाइम डिलेज, ओके। एंड मैं लैब के सॉल्यूशन पे आता हूँ, फास्ट हो जाएगा हमारा। तो ओके ये कह रहा है विजिट द फ्रंट पेज ऑफ द शॉप एंड यूज, ये तो हमने कर लिया, मॉडिफाई द ट्रैकिंग आईडी। हमने डिटेक्ट कर लिया है कि वहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कर रहा है, टाइम डिले हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद ओके अगेन ये कह रहा है कुकीज चेंज टू, इस कमांड को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा कमांड है, ये साथ में इनकोडिंग इन्होंने कर दिया है, इसके लिए घबराना मत कि ये क्या है %3 एंड नहीं, हाँ वो समझ ठीक। गया, दिखे यहाँ पे बेसिकली क्वेरी जो चल रही है, सेलेक्ट केस व्हेन 1 इज इक्वल टू 1 देन पी स्लिप 10 एंड इज पीजी स्लिप 0 एंड, ठीक। यहाँ पे ये चीज कहना चाह रहा है कि अगर ये क्वेरी वैलिड है, लाइक अगर ये वैल्यू ट्रू है 1 इज इक्वल टू 1। हाँ 1 इज इक्वल टू 1, देन क्या करो, टेन पीजी को सेकेंड के स्लिप बाद करना हमको पसंद रिस्पॉन्स प्रोवाइड होगा। और है। अगर ये क्वेरी हमारी सही नहीं है, लाइक ये जो हमने वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है बुलियन वैल्यू, अगर ये ट्रू नहीं है तो हमें कोई भी टाइम डिले नहीं मिलेगा, 0 सेकंड का टाइम डिले मिलेगा एंड तुरंत हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके अगर हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे, एक चीज का ध्यान देना, जब भी अगर तुम सॉल्यूशन से लैब कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि यहाँ पे भी URL इनकोडिंग इसने कर रखी हो, फिर से अगेन तुम लाके करो, कभी कभी इशू आ सकता है। वैसे होगा नहीं, वो एक ही बार करोगे दोबारा भी करोगे तो मे भी वही रहता है, ठीक है। ओके मैंने इसको सेंड किया रिक्वेस्ट को, एंड मे बी ये 10 सेकंड का ओके डिले ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे यस ये कंडीशन सही है। ब्लाइंड एसक्यूएल यस ये चीज समझ में आ गया ना कि ये कैसे वर्क कर रहा है ये। हाँ, समझ एंड गया। अगर मैं इसी वैल्यू को फॉल्स करा दूं, अगर ये ट्रू है अभी तो ये 10 सेकंड का डिले ले रहा है, बट अगर मैं 1 इज इक्वल टू 0 कर दूं तो ये नहीं वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमारी क्वेरी यस जो है वो 100% सही है, ठीक है। सही यस नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, नाउ चेंज इट टू क्या है ये, एक सेकंड रुकना, पीजी स्लीप। हाँ ये चीज हमने कर लिया, वो 1 इज इक्वल टू 2, ये ट्रू, ये टू फॉल्स हाँ है ना, तो ये जो है यस बेसिकली एंड देखो पाया भी रहा होगा, वेरीफाइड दैट द एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है विद नो टाइम डिले। दिस डिमॉन्स्ट्रेट हाउ यू कैन टेस्ट द बुलियन कंडीशन एंड इनफर द रिजल्ट, ठीक है। या एंड अगेन नाउ चेंज इट, एंड इसको भी हम समझेंगे कैसे क्या है ये कमांड। यहाँ पे ये कह रहा है सिलेक्ट केस व्हेन यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर देन पीजी स्लिप एडमिनिस्ट्रेटर 10 इज पीजी स्लिप देन 0 इन फ्रॉम यूजर। ये यस बेसिकली सर्वर को ये बताना चाह रहा है कि अगर सर्वर पे कोई यूजर नेम का टेबल है, यूजर्स का टेबल है,
तो वहां से यूजर नेम, अगर एडमिनिस्ट्रेटर कोई बिलोंग करता है उस टेबल के अंदर, अगर कोई कॉलम है यूजर नेम का और उसके अंदर ये वैल्यू बिलोंग करती है, देन हमको 10 सेकंड के बाद रिप्लाई मिलेगा। अगर नहीं करता तो वो 0 सेकंड टाइम लेगा। ओके, अगर ये वैल्यू वहां पे होगा हमको 10 सेकंड का टाइम डिले दिखेगा, अदरवाइज को 0 सेकंड का टाइम डिले दिखेगा। और इसको इसको भी हम क्रॉस चेक फिर से कर लेंगे, जैसे हमने ट्रू फॉल्स की वैल्यू कराई थी तो हाँ भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, URL encoding है बेसिकली हमारा, हम हाँ डायरेक्ट इसको हाँ सेंड कर देंगे। और ले जो लिया टेन इसे सेकेंड सेंड का डिले दे रहा है, इसका मतलब कि यस सर्वर पे यूजर्स का टेबल बिलोंग करता है, वहाँ पे है वो, एंड उसके अंदर एक कॉलम है यूजर नेम का जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यू है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे 10,191 मिलीसेकंड का मिली हमको टोटली 10 सेकंड का हमको टाइम डिले मिल गया मिल गया। ठीक है, और अगर इसको हम क्रॉस चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू, अगर हम इसको नहीं सेंड करते देखा हैं तो ये वैल्यू वहाँ पे नहीं है, राइट, यूजर नेम यस के कॉलम में ये वैल्यू बिलोंग नहीं करता है, नहीं है उसके अंदर, तो हमको तुरंत के तुरंत जो है रिस्पॉन्स हमारा मिल रहा है, इमिडिएटली हमको रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। समझ में आ गया? हाँ ओके, वेरीफाई दैट द कंडीशन इज ट्रू, कंफर्मिंग दैट देयर इज अ यूजर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेटर हमने कंफर्म कर लिया। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन द पासवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। ओके, टू डू दिस चेंज द वैल्यू, एंड वैल्यू वही लास्ट लाइव अगर तुमने किया होगा, देखा होगा, तब भी समझ में आओगे, आएगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खाली तुम लोग इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, प्लाई के टाइप्स कितने हैं और उनकी वर्किंग कैसे होती है, उसके बाद तो कमांड्स के ऊपर मत जाओ। कमांड्स तो हर एक वेब एप्लीकेशन पे तुमको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक अलग एप्लीकेशन पे होता है ना ना। यूजर नेम, क्या पता यूजर नेम का कॉलम ना हो, यूजर नेम का जस्ट यूजर यूजर्स करके वहां पे कॉलम ही हो, और वो जो तो यहाँ हमें पे फाइंड टेबल करना मिल रहा है पड़ेगा ना वो खुद। यूजर्स का, वो किसी और नेम में हो, वो चीज हमने देखा है ऑलरेडी, यूजर्स अंडर स्कोर ऐसे करके स्टार्टिंग के ही 4-5 लेव के अंदर हमने देखा था। हाँ, यूजर नेम कैसे फाइंड करने का, कॉलम नेम कैसे हाँ, फाइंड करने का। तो इस कमांड को हम समझेंगे, सेलेक्ट केस व्हेन यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंथ ऑफ पासवर्ड इज इक्वल टू 1, देन पीजी स्लिप 10 इज पीजी स्लिप 0 इंट फ्रॉम यूजर। तो बेसिकली जैसे इसमें इसने डिटेक्ट किया था कि क्या कोई यूजर्स का टेबल बिलोंग करता है इस डेटाबेस के अंदर, अगर करता है तो क्या उसके अंदर कोई कॉलम है यूजर नेम, एंड उसके अंदर क्या कोई वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट किया ही है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूजर बिलोंग करता है इस टेबल के अंदर। ठीक है, एंड यस फिर अगेन एक चीज, एक वैल्यू हम और दे रहे हैं कि क्या इस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड का लेंथ 1 से ज़्यादा है, अगर ऐसा है तो सर्वर हमको 10 सेकेंड का डिले लेकर दे रिप्लाई देगा, अदरवाइज वो 0 सेकेंड का डिले लेगा। ठीक है, ओके, जड़ कट गया। इसमें ना ये बहुत बेकार चीज लगता है। उसके ऊपर ठीक है, अगर डबल क्लिक करता है ना, जो हमने URL डाला है, तो वो डायरेक्ट ले लेता है पूरा। हाँ, ओके, ये अगेन हमको 10 सेकंड का डिले यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसका जो भी पासवर्ड होगा वो उसकी वैल्यू एक, मतलब उसका कैरेक्टर का लेंथ जो होगा वो 1 से ज़्यादा, लाइक इससे वन ज्यादा है। टू 10, 20, 50 जो भी हो उससे ज़्यादा है। ठीक है, अगेन क्या कह रहा है ये, दिस कंडीशन शुड बी ट्रू कंफर्मिंग दैट द पासवर्ड इज ग्रेटर देन 1 कैरेक्टर इन लेंथ। हमको वैल्यू मिला कि हाँ ये चीज़ हमको रिस्पॉन्स मिला 10 सेकेंड का, इसका मतलब हम कंफर्म हो गए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का जो भी पासवर्ड है वो मिनिमम 1 कैरेक्टर से ज्यादा है। ठीक है, 1 कैरेक्टर से ज्यादा ही है। ठीक, तो द नेक्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन, ये चीज हमने कर लिया, द कंडीशन इज ट्रू, सेंड अ सीरीज ऑफ फॉलो अप, ये बेसिकली वो चीज कह रहा है कि तुम मैनुअली करो इस चीज को, बट हम इसको ऑटोमेशन के थ्रू यूज करेंगे, एंड इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे लास्ट लैब में हमने किया हुआ था ना, लाइक
कुछ ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करके, क्या ये रिस्पॉन्स दे रहा है? 1.25 दे देते। वैसे पता है 20 से ज्यादा होता नहीं है लगभग लैब में। देखो ये इमिडिएटली हमको रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड है वो 25 करेक्टर से ज्यादा नहीं है। अगर इस कम है। कोडर पे सेंड करके ब्रूट फोर्स करें सर, रैंडम को इस पैरामीटर पे करना है, लाइक चेक करना है कितने कैरेक्टर्स हैं उसके पासवर्ड में, इसको हम एज अ पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। एंड अटैक टाइप हमारा स्नाइपर होगा। पेलोड्स में बेसिकली हम नंबर देंगे, नंबर होगा 1 to 25। ओके, ये हमको पता है 1 से कम नहीं है और 25 से ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। एक होगा। एंड यहाँ पे एक चीज और है, क्योंकि ये टाइम डिले का लेवल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसोर्स पूल में जाएंगे और एक अपना नया रिसोर्स पूल क्रिएट करेंगे। और रिसोर्स के बारे में तुमको नहीं पता हो तो मैं इतना बता दूँ, बेसिकली क्या होता है अगर हम बाई डिफॉल्ट यूज करते हैं, ये जो मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट देख रहे हो ना, ये बेसिकली एज अ थ्रेड, अगर तुम थ्रेड को जानते हो कि थ्रेड क्या होता है, तो वही चीज है। एक हाँ ये 10 थ्रेड को सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, बट इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। कस्टम रिसोर्स ओके पूल मैक्सिमम 1 कर देंगे इसको, ठीक है? ओके ओके एंड स्टार्ट अटैक। स्टार्टेड। एंड ये टाइम डिले का लैब है, ये थोड़ा टाइम लेगा, लाइक हर एक रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए 10 10 सेकेंड टाइम लेगा, ओके तो हमको वेट करना है थोड़ा। बस तो ले लेना इसने। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट हमको वेट करना पड़ेगा। एक चीज हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर सकते थे, लाइक 5 भी कर सकते थे, 5 ही सेकेंड ले। हाँ नेक्स्ट बारी हम ट्राई करेंगे, अभी आ गई। चलने तो जाने। देखो जितने भी हमारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनकी लेंथ जो है ना 11,000 सेम है। सेम नहीं है, सेम तो है ही है, हाँ उनके बेसिकली टाइम जो देख रहे हो ना, अगर लेंथ हाँ हो गई अभी तो सेम आ रहा है। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, कॉलम्स एंड रिस्पॉन्स रिसिप्ट पे जाके इसकी वैल्यू, ओके तो भी वैल्यू आ रही वो 10,000 के ऊपर ही आ रही। इसका मतलब इन सारे रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजने में, या सर्वर जो भी रिप्लाई कर रहा है उसमें 10 सेकंड का हमको डिले मिल रहा है। और जहां यस तक हमको मिलेगा वही हमारा पासवर्ड का लेंथ होगा, ठीक है? ओके जहां पे हमको पहली बार नहीं मिलेगा उतना होगा, ओके और उसको हम डिटेक्ट करेंगे अभी तक हमको मिल रहा है, और कितने पे जाने के बाद जो रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो रहा है ये 10,000 का, वो कहाँ पे जाके वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है? ओके बहुत इजी लैब है, लास्ट लैब जो भी किए होंगे अभी सारा प्रोसेस सेम होने वाला है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली बस उतना ही था, डिटेक्शन था कि क्या ओके टाइम बेस्ड हमारा वर्क कर रहा है उसको हमने डिटेक्ट किया, उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बिलोंग करता है उसको डिटेक्ट किया। और हमने जब ये डिटेक्ट कर लिया कि पासवर्ड का लेंथ 1 से ज़्यादा है, 25 से कम, तो अभी अगर किसी ने भी लास्ट लैब किया होगा वो इजी कर सकता है। बस हाँ एक चीज़ का ध्यान देना होगा, रिसोर्स पूल में हमको थ्रेड्स कम करने हैं, उस चीज़ का इस लैब में बेसिकली ध्यान देना, ठीक है? ओके नहीं चलिए तो एक रिक्वेस्ट को सेंड करने में बहुत ज्यादा टाइम, ये जो अभी थोड़ा फास्ट कर भी रहा है ना बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ठीक ओके है? ओके 15 तक तो है ही। 14 तक तो है, यहाँ 14, अभी और भी जाएगा मे बी, देखेंगे हम। यस ये भी है। एक्चुअली जो रियल लाइफ वाले होते हैं ये भी सेम वाले होते हैं कि थोड़ा अलग होता है इनसे। क्या चीज? रियल टाइम में जो हम अटैक करते हैं मतलब देखते हैं वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो वो भी सेम होता है ये, मतलब वो अलग होता है ये अलग है पूरा। वेट अ मिनट, नहीं एक चीज बताऊं, अगर तुम्हारा डिटेक्शन वहां पे कंप्लीट हो गया किसी भी वेब एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, ठीक है,
अगर वहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कर रहा है। और एक चीज़ और है, वो सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक वो तुमको रिप्लाई करेगा टाइम बेस्ड, क्योंकि ठीक है अगर वहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है ठीक, बट वहाँ पे टाइम नहीं, टाइम बेस्ड पे वो रिप्लाई नहीं करेगा तो टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। तुम अदर वेक्टर्स यूज कर सकते हो ब्लाइंड एसक्यूएलआई के, बट टाइम नहीं कर सकते। और ये भी है कि अगर वो खाली टाइम बेस्ड पे कर रहा है, अगर उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है कि वो टाइम बेस्ड पे ही परफॉर्म कर रहा है, तो तुम ब्लाइंड एसक्यूएलआई के अदर नहीं पाओगे वहाँ पे कोई भी पाओगे कोई भी वल्नरेबिलिटी, लाइक जैसे हमको वेलकम बैक का मैसेज मिल रहा था, क्योंकि ये तो लैब का है बट रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर भी मैं कराऊंगा। उस पर टेंशन कोई प्रॉब्लम टेंशन मत लो, मैं रियल वेबसाइट्स पे भी बाद में जब हमारा लैब कंप्लीट होगा और ट्राई करूंगा, बीच बीच में ही सबको मैं कराता रहूंगा। देखो 19 तक मिल गए हमें। 19 तक हमको जो था यहाँ पे वो 10 सेकंड का डिले मिल रहा था, बट जब हमने जब ये 20 पे गया, 20 पे हमको नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ये कहना क्या चाह रहा है, सिलेक्ट केस व्हेन यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंथ पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड इज ग्रेटर देन 1। तो जब इसने 19 तक बोला कि क्या 19 से ज्यादा है, तब तक तो वो ले रहा था, बट जब 20 पे गया ना, जैसे ही उसने 20 पे पहुंची, वो कह रहा नहीं उसका लेंथ पे उसका टाइम ही पूरा चेंज हो गया। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कितने करेक्टर्स होंगे, नहीं हमारे पास 20 होंगे। क्यों, क्योंकि कंडीशन तो देखो ये ग्रेटर देन पूछ रहा है, क्या 20 से ज्यादा है तब जाके उसका कंडीशन चेंज हुआ। 19 से जब मतलब उसने 20 पूछा था, कैरेक्टर। हाँ समझ जब उसने गया। 19 से पूछा क्या 19 से ज्यादा है, तब तक वो दिखा रहा था नहीं 19 से ज्यादा है, तब तक हमको 10 सेकंड का डिले मिल रहा था। बट जैसे ही वो 20 पे आया, उसका जो है पूरा टाइम चेंज हो गया, लाइक ये 1 पॉइंट समथिंग सेकेंड ले रहा है, कुछ भी जो भी ये वैल्यू जो है 20 पे आके चेंज हो रही है। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल करेक्टर्स हैं वो 20 हैं, ठीक है। अभी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, और ये बेसिकली वही कह रहा था, आफ्टर डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ पासवर्ड दिस जो भी है इन द, एंड अभी मे बी ये करेक्टर चेक करने के लिए। हाँ अभी हमारा काम क्या है कि हम चेक करेंगे क्या हमारा जो पासवर्ड है उसका पहला कैरेक्टर क्या हमारा ए है या बी है या सी है या डी है, कुछ भी मतलब जो भी है, या 1 है 2। ये हमारा कमांड है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट केस व्हेन यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड सब स्ट्रिंग का तो पता होगा मैंने बता के रखा है, सब स्ट्रिंग पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद ये तुम्हारा जो है बेसिकली करेक्टर जो होगा वो लाइक 1 होगा, तो ये वो ब्रूट फोर्स करेगा, अगर 2 कर देंगे तो वो सेकंड कैरेक्टर करेगा थर्ड के लिए, बट इसको हम ऑटोमेशन करेंगे तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे स्टेप लगा के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये बेसिकली कमांड ये है, क्या इस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के का जो पासवर्ड है उसका पहला कैरेक्टर जो है क्या वो ए है, इसको सेंड करके चेक करते हैं क्या सर्वर रिप्लाई दे रहा है। अगर ए होगा तो हमको 10 सेकंड का डिले मिलेगा, अदरवाइज वो तुरंत के तुरंत हमको रिप्लाई दे देगा, ठीक है। हमको इमीडिएटली इसने रिस्पॉन्स दे दिया, इसका मतलब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का जो पासवर्ड है वो ए नहीं है, एंड अगेन हम इस चीज को फिर से हम ब्रूट फोर्स करेंगे, ठीक। इंट्रोडक्ट इसकी साइज कम करते हैं, 10 सेकंड डिले की, हाँ टाइम भी हम कम करते हैं, सही बोल रहे हो, स्लीप हम कर देते हैं 5 सेकंड का, ठीक। 5 सेकंड। ओके तो बेसिकली ये चेक करना है क्या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का जो पहला करेक्टर है वो ए है, हम इसको ब्रूट फोर्स करेंगे, तो मैंने इसको एज अ पैरामीटर सेलेक्ट कर लिया, स्नाइपर टाइप ही रहेगा हमारा क्योंकि सिंगल पैरामीटर है, एंड पेलोड में हम यहाँ पे देंगे ब्रूट फोर्स और बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू 1029 एंड A to Z, ओके। मिनिमम लेंथ हमारा 1 होगा एंड मैक्सिमम लेंथ भी हमारा 1 ही होगा, और इस हम कस्टम रिसोर्स जो हमने बनाया था रिसोर्स को लाइक 1 एक ही थ्रेड्स जाए तो हम उसको सिलेक्ट करके स्टार्ट अटैक कर देंगे, ठीक।
रिस्पॉन्स रिसीव। ओके हमारा अटैक ये फिनिश हो चुका है, ठीक है। एंड अभी हम फिल्टर करेंगे कि किस पे हमारा 5000 का मिल रहा है वैल्यू, हमको आर पे मिल, मतलब 5 सेकंड का जो डिले मिल रहा है वो केवल आर पे मिल रहा है, बाकी कुछ हाँ मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का जो पासवर्ड है उसका पहले पहला करेक्टर जो है वो आर है, ठीक। अरे यस फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट करेक्टर जो है हमारा अरे वो है आर। अगेन अभी हम मैनुअली नहीं चेक कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि हम एक एक की वैल्यू बढ़ाते जाएं, उसके लिए हम अच्छा डायरेक्ट ऑटोमेट कर देंगे इसको। अभी हम इसके साथ साथ हम इसकी भी वैल्यू एक ही साथ इंक्रीज करेंगे कि ठीक है इंक्रीज सर पहला करेंगे। फाइंड आउट कर ले जा रहे हो, तो अगेन एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। और जब भी ये पहला फाइंड आउट कर लेगा उसके बाद ये ऑटोमेट के लिए ट्राई करेगा, तीसरे के लिए ट्राई करेगा, ऐसे करता रहेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको पे एज अ पैरामीटर सेलेक्ट करूंगा एंड सेकेंड के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। एंड अभी हमारा अटैक टाइप जो होगा स्लीप टाइम 5 सेकेंड है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अटैक टाइप जो होगा हमारा क्लस्टर बम होगा, क्योंकि हमारे पास अभी है दो पैरामीटर है, ठीक। ओके पेलोड्स अगर में सिंगल बेसिक पैरामीटर होगा तो ब्रूट फर्स्ट करेंगे बस। नहीं, सिंगल पैरामीटर होगा तो हम स्नाइपर टाइप यूज करेंगे, ओके ओके हाँ ठीक है। अभी सॉरी। हमारे पास दो पैरामीटर है तो हम क्लस्टर बॉम्ब करेंगे। एंड जो दो बाकी हैं, एक है पिचफॉर्क एंड वो बहुत जल्द में भी ऑथेंटिकेशन के लैब में हमको मिलेगा। बैटरिंग लैम रैम के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, इसके ओके बारे में करना ट्राई हैक में पे रूम है, अच्छा है, पूरा बर्फ का ओके पूरा ओके रूम है, ठीक है। तो ओके पेलोड्स में पहला हमने नंबर सिलेक्ट करना है, नंबर फ्रॉम 1 to, हमें पता है हमारा करेक्टर कितने कैरेक्टर्स हैं, 20 ना, 19 हाँ 20 से 1 to 20 सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप मतलब एक का रहेगा हमारा, एक को जब फाइंड आउट कर लेगा तो ये दूसरे कैरेक्टर्स के लिए जाएगा। एंड सेकेंड टाइप जो होगा वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगा, बेसिकली इसके लिए हम ब्रूट फोर्सर का यूज करेंगे। मिनिमम लेंथ हमारा 1 होगा एंड मैक्सिमम लेंथ भी हमारा 1 होगा। और रिसोर्स पूल भी हम चेक करेंगे क्या हमारा कस्टम पे है, ओके ठीक है। हम स्टार्ट अटैक परफॉर्म करेंगे, टोटल 720 कॉम्बिनेशंस हैं, थोड़ा सा मिस टाइम तो करेक्टर के लेगा होंगे ही। ना। हाँ अभी हम इसके साथ साथ चेक करते जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे रिस्पॉन्स हैं जिसपे हमको 5000 का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स रिसीव, हाँ अगर तुम यहाँ पे देखोगे किसी पे मिल रहा है हमको, एक पे 10वां करेक्टर, वो जाने दो, फिर हम इसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। हाँ मिल गया वहां पर। ये अच्छा, हाँ मिल रहा है ऊपर से हमको। ये देखो 5, इसके 17th करेक्टर वो जी है, 12th करेक्टर भी जी है, 10th करेक्टर भी ये है, पहला करेक्टर नहीं, पहला करेक्टर अभी इसने फाइंड आउट नहीं किया है। पहला कैरेक्टर आ रहा है ना। अटैक में भी करेगा ये मे बी, इसके अंदर नहीं किया उसने बस परफॉर्म। कंप्लीट होने दो रिक्वेस्ट को, उसके बाद हम इसको फिल्टर करते हैं। ये लैब थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये टाइम का है, तो इसमें कुछ नहीं। टाइम का और अगर हम बहुत कम वैल्यू दे देंगे लाइक टाइम का 2 सेकंड 3 सेकंड, तब भी हमें ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्या पता कोई रिस्पॉन्स ऐसा ही हो कि वो उतना टाइम ले रहा हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें हम फिल्टर करने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो मिनिमम 5 सेकंड का तो दे ही देना देना सारे लोग, क्योंकि चाहिए। तुमको फिर फिल्टर करने में भी इजी होगा। और 5 में एक और है ना कि तुमको देखने में भी इजी इजी हो रहेगा, जाता कि डायरेक्ट दिखेगा 5 के साथ रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। और बाकी रिस्पॉन्स देखोगे ऐसे कुछ 9 197 200 202, 250 तक आया है। 60% हमारा कंप्लीट हो चुका है मे बी।
देखो इसने फाइंड आउट अभी जाके किया, पहला करेक्टर जो है इसका हाँ आर है, आ रहा है दूसरा है हमारा ये ओ होगा मे बी, हम इसको लिखते भी जाते हैं साथ में, ठीक है, आर एंड ओ सेकंड ओ है हाँ सेकंड ओ है ना हमारे ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं आ रहा हमारा? कट हो गया क्या नहीं होगा, बैकग्राउंड में पड़ा होगा ये, क्यों भाई? ओपन करना चाहिए। हाँ यहाँ विंडोज का बटन दबा के टैप टैप करो शायद ये ऐसा क्या है? वही तो मेरे को भी ओ समझ भाई नहीं आ साहब रहा इतना ओ छोटा कैसे हो गया? ऑटोमेटिक ठीक है, हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है ये, हम बस इसको फिल्टर करेंगे, यहाँ से हमको पासवर्ड मिल जाएगा और हम जस्ट लॉग इन कर जाएंगे, ठीक है। लॉग और एंड ओके सेकंड करेक्टर हमारा ओ था, थर्ड करेक्टर में भी, इसको फिल्टर करने का कोई वो नहीं है क्या? छोड़ो हम यहीं से करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये हमारा फिनिश हो गया ना, तीसरा कैरेक्टर हमारा के ये है नहीं के कैसे वो 200 पे आया ना 200 पे, नहीं उसको नहीं देखना आपको, वो अच्छा इस रिस्पांस टाइम हुआ हाँ रिस्पॉन्स सॉरी टाइम का जो मैंने बैलेंस है स्टेटस देखा उसको चेक करना है, मैंने जिससे भी स्टेटस हमारा देखा 5000 से ऊपर आएगा उसी को हम चेक हाँ करेंगे, ठीक। हाँ ओके एंड फोर्थ करेक्टर में भी हमारा क्या होगा, कहाँ है 5000 कहाँ नीचे तक? नीचे मिला थोड़ा नीचे है फोर्थ नहीं यहाँ एक यहीं तक ही आ रहा है ये फोर्थ, ये ऊपर रहा ऊपर फोर ये 0 है, फोर्थ हमारा 0 है। एंड मैं इसको ऐसे करना चाह रहा था यार, थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा था, ये यहाँ अगर आ जाता ना तो सही रहता हमको। फोर्थ कैरेक्टर ओके हमारा वो है, नहीं आएगा। एंड फिफ्थ कैरेक्टर हमारा अगेन ओ है, एंड बड़ा ही रहने दो यार, आसानी कर रहा है ये। इसको भी छोटा कर देना फिर दोनों साइड सिक्स साइड में कर सिक्स देना कैरेक्टर हमारा यस है, मैं एक काम करता हूँ ना यहीं पे लिख लेता हूँ, सिक्स कैरेक्टर हमारा यस है, सेवन्थ हमारा सिक्स है, एट हमारा एफ है, नाइन में भी ऊपर होगा, नाइन कहाँ पे आ रहा है, नाइन नाइन हमारा थ्री आपका है, ठीक। टेन टेन हमारा डी, डी अगेन इलेवेंथ करेक्टर क्या है हमारा, 11 नीचे नीचे वाई है शायद एट है। हाँ ये एक सेकेंड, मैंने कहीं पे गलती की, कुछ वैल्यू एंटर नहीं किया, सिक्स से कर रहा था ना मैं, सिक्स हमारा हाँ नहीं, ये तो वहाँ पे है, थोड़ा सा नीचे करो यार, ऐसे ही मिल जाए तभी। सिक्स यस किसका है 6 का बराबर है ना यस है, सेवन हाँ हमारा सिक्स है, 6 हाँ एट एफ है, एफ है नाइन नाइन हमारा क्या था, नाइन हमारा थ्री शायद है, ये हाँ थ्री नहीं इंटर किया हुआ था वही मुझे लगा। एंड टेन हमारा अगेन थ्री डी है है, तो 8 कहाँ से आ गया 11 का होगा, करेक्ट 11 डेट हाँ 11 का डाल दिया था, एट हाँ हमारा 11 का है, ठीक। ओके जी ट्वेल्व हमारा जी है, थर्टीन है ये बहुत बेकार लेवल है मेरे अकॉर्डिंग, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। थर्टीन हमारा जीरो, 13 चल 14th, वन है, क्या है?
15 हमारा जेड है, जड़ है, 16 सिक्सटीन येल है, 19 सेवनटीन जी, जी एंड 18 हमारा है के, हमारा के वाई, वाई एंड 20th कैरेक्टर हमारा क्या है, 20th हमारा वाई वाई, ओके अगेन वाई, 19 दोनों वाई है, ठीक। मैं इसको कॉपी करूंगा और इसके साथ ऐड करके मैं लॉग इन करने का ट्राई करूंगा, ठीक। ओके कॉपी एंड अगेन लेफ्ट माय अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एंड लॉग इन हो गया। और मैंने सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया? यस कुछ भी नहीं है, अगर जिसने भी हाँ लास्ट लैग किया होगा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के दो ही स्टेप्स थे जो कि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं स्टार्टिंग कर, बट जिन्होंने लास्ट लैग किया होगा आराम से वो कर सकते हैं, ठीक। अभी हम आ जाते हैं ओके नेक्स्ट लैग पे, हमारा जो भी है नेक्स्ट लैग में हमारा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद आउट अ विथ बाइंड इंटरेक्शन, कुछ नया टॉपिक है, देखते हैं। इसके रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है। ओके दिस लैब कंटेंस अ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, द एप्लीकेशन यूजेस अ ट्रैकिंग की सेम लास्ट लैब, द एसक्यूएल क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एसिंक्रोनसली एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स, हाउएवर यू कैन ट्रिगर आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन विद एन एक्सटर्नल डोमेन, द लैब एक्सप्लॉइट द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी टू कॉज अ डीएमएस टू बर्क कोलेबरेटर। देखो बेसिकली बस इस लैब में हमको फायरवॉल ब्लॉक कर रहा होगा इसी वजह से, हाँ ये, टू प्रिवेंट द अकेडमी प्लेटफॉर्म बींग आस्क यूज टू अटैक थर्ड पार्टीज, आवर फायरवॉल ब्लॉक्स इंटरेक्शन बिटवीन द लैब्स एंड आर्बिट्री एक्सटर्नल सिस्टम, टू सॉल्व द लैब यू मस्ट यूज बर्क कोलेबरेटर। ये देखो सिक्योरिटी रीजन से ये कह रहे हैं कि तुम्हें खुद का एक सर्वर यूज करना पड़ेगा, जो कि परसूट प्रोफेशनल में तुम्हें बर्क कोलेबरेटर मिलता है उसका यूज करके तुम इस लैब को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके पहले इसको क्लोज कर दूंगा, लास्ट लैब का है ये, एंड यहाँ पे अगर तुम्हारे पास प्रोफेशनल होगा तो यहाँ पे बर्क कोलैबोरेटर क्लाइंट हमको मिलता है, ठीक। ओके प्रॉक्सी क्लियर ऑल, ये अगेन हमको हर एक ओके चीज नए से हमको स्टार्ट करना, ठीक। ओके ये मेरा लैब है, एंड अगर मैं इसको इंटरसेप्ट करता हूँ इस रिक्वेस्ट को, ट्विटर पे सेंड करो, जो ट्रैकिंग आईडी का सेक्शन है हमारा वो एसक्यूएलआई से वल्नरेबल है, बट यहाँ ओके पे ये कुछ नया सिनेरियो यूज कर रहे होंगे तो उसको हम देख लेते हैं क्या है ये, हिंट में क्या कह रहा है ये, हिंट का हिंट में यही देगा, विजिट द फ्रंट पेज ऑफ द शॉप एंड यूज दिस इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई द कंटेनिंग द ट्रैकिंग आईडी कुकीज, मॉडिफाई द ट्रैकिंग आईडी कुकीज चेंजिंग इट टू अ पेलोड दैट विल ट्रिगर एन इंटरेक्शन विद कोलैबोरेटर सर्वर, फॉर एग्जांपल यू कैन कंबाइन एसक्यूएल इंजेक्शन विद एक्सेसी टेक्निक। देखो ये लैब ना बेसिकली हमको क्या कह रहा है, जस्ट हमको इस लैब में डीएनएस लुकअप करना होगा, हाँ डीएनएस लुकअप ओके परफॉर्म करना है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमको पासवर्ड वगैरह फाइंड आउट करना है, जस्ट हमको एक तरह से ओके मान के चलो जैसे पिंग करते हो ना सिस्टम को, बस पिंग अटैक परफॉर्म करना है, बस इतना हम लोग, ओके तो एंड उसके लिए हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूएल मतलब ओरेकल का डेटाबेस सही है। जरूरी नहीं है, ओके क्योंकि बाकी इसके अंदर डेटाबेस के अंदर हम डंप नहीं करते ना ड्यूएल के थ्रू। यहाँ पे देखो सिंपल सा कमांड है, हम यहाँ पे अपना बर्फ कोलेबरेटर स्टार्ट कर लेंगे, कोलेबरेटर क्लाइंट, ठीक, और कॉपी टू क्लिपबोर्ड, एंड हमको जस्ट यहाँ पे चेंज करना है अपना सर्वर, सब डॉक्टर ठीक है ओके डॉट कॉम,
एंड मे बी अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं, इस पेलोड का यूज हम करते हैं ट्रैकिंग आईडी के सेक्शन पे, हमको यहाँ पे कोलेबरेटर में हमको HTTP का रिस्पांस मिलेगा या DNS का रिस्पांस मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो हमारा लैब सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ओके 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 URL encoding यूज किया हुआ है, पर ओके मिल गया, कोलैबोरेटर पर हम जाएंगे पोल नाउ पे क्लिक करेंगे, और अगर मिल तुम गया। देखोगे DNS का रिक्वेस्ट हमको मिल गया और हमको IP फाइंड आउट हो गई। मैंने बताया था ना, एज अ जैसे पिंग करना है तुमको, बस एक पिंग अटैक परफॉर्म करना है, DNS लुकअप करना है कि हमको IP फाइंड आउट करनी थी, बस हमको IP हो गया और मे बी हमारा लैब भी सॉल्व हो गया होगा। हाँ, हमारा लैब ओके सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बहुत ही छोटा लैब था, कुछ नहीं था इसमें। एंड अगेन क्या है हमारा, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन आउट ऑफ बैंड डेटा इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, भी सेम ही होगा। थोड़ा सा अलग होगा इसके अंदर कुछ। एसक्यूएल क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एसिंक्रोनसली सिंक्रोनसली एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन। हाउएवर यू कैन ट्रिगर आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन विद एन एक्सटर्नल। सेम यहाँ पे हमको फिर से कोलेबरेटर का सर्वर यूज करना है अपना। द डेटाबेस कंटेंट्स आर डिफरेंट टेबल कॉल्ड यूजर यहाँ पे, बट हमको एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर एंड पासवर्ड फाइंड आउट करके लॉग इन करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक सर्वर को मैं बार बार ना यूज करके मैं इसको क्लोज। को ट्राई करना लाइव करते टाइम, इसको जरूर क्लियर करना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है सबको। ठीक है, तो ये मेरा लैब है, मैं इसको अगर इंटरसेप्ट करता हूँ, मेरे पास गेट का रिक्वेस्ट आ गया, मैं इसको रिपीटर पे सेंड कर लूँगा, और जो ट्रैकिंग आईडी का सेक्शन है अगेन यहाँ पे फिर से वो SQLI से वल्नरेबल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमको बेसिकली देखो वही चीज़ है जो लास्ट लैब में इसने समझाया हुआ था कि फायरवॉल, इनका जो फायरवॉल है प्रोसीजर वालों का, वो जब भी तुम डायरेक्ट अगर इंटरेक्ट करोगे तो वो रिप्लाई नहीं देगा और लैब तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तुम उनके सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह से हम बर्फ कोलेबरेटर का यूज कर सोल्यूशन करके पे आता हूँ। तो सेम ये क्या कह रहा है, विजिट द फ्रंट पेज ऑफ द शॉप एंड यूज बर्फ सूट प्रोफेशनल टू इंटरसेप्ट द मॉडिफाई द रिक्वेस्ट कंटेनिंग द ट्रैकिंग आईडी कुकीज। हमने इंटरसेप्ट कर लिया एंड रिपीटर पे भी सेंड कर दिया है। ठीक, मॉडिफाई द ट्रैकिंग आईडी कुकीज चेंजिंग इट टू अ पेलोड दैट विल लीक द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इन एन इंटरेक्शन विद द कोलैबोरेटर सर्वर। फॉर एग्जांपल यू कैन कंबाइन एसक्यूएल इंजेक्शन विद बेसिक एक्सेसी टेक्निक्स एज टेक्निकल फॉलोज। प्लेस क्या अटैक जान रोकनी एक्सेसी एक्सएमएल एंटिटीज करके होता है जो अटैक। तो हमारा ओके मिनियन पेलोड बेसिकली क्या है, एक्सएमएल राइट इंजेक्शन का यूज करेगा ये। ठीक है, अगर राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इंसर्ट कोलेबरेटर पेलोड टू इंसर्ट अ बर्फ कोलेबरेटर सब डोमेन वेयर इंडिकेट द मॉडिफाइड ट्रैकिंग आईडी कुकीज, गो टू द कोलेबरेटर टैब एंड क्लिक पोल नाउ। ये लास्ट लैब की तरह ही होगा, कुछ है नहीं इसमें भी, हमको जस्ट देख लेते हैं क्या है इसका कमांड। यूनियन सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट वैल्यू दिस दिस एक्सएमएल वर्जन दिस इनकोडिंग UTF-8 टॉप टाइप रूट एंटिटी रिमूव एंड मे बी इसने पूरा कमांड हमको दिया होगा। हाँ, सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। एंड एडमिनिस्ट्रेटर एक चीज का ध्यान देना, ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का जस्ट पासवर्ड ला के देगा, उसको हमको फिल्टर करना है। और ये क्या करेगा, ये सेपरेटर बीच में यूज कर रहा है। जब भी हम कोलेबरेटर क्लाइंट का यूज करेंगे ना, तो जो रिप्लाई आएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम पे रिप्लाई लिया था सर्वर के थ्रू, उसका DNS लुकअप किया था, तो अब की बारी जो भी रिप्लाई आएगा ना, उसके पहले हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके यहाँ पे हमको मे बी कोलेबरेटर सर्वर का URL देना पड़ेगा। हाँ उन्होंने बोला ही है ना बर कोलेबरेटर क्लाइंट एंड राइट कॉपी टू कॉपी क्लिपबोर्ड राइट एंड बर कोलेबरेटर सब डोमेन। सब डोमेन ठीक,
एंड यहाँ पे एक चीज और होगा, मे बी हमारा होगा HTTP, ये चीज ठीक है। सही तो है ना, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बड़ लग रहा है क्योंकि ये जो डॉट आ रहा है डॉट एक्स्ट्रा जाएगा फिर। ठीक है ट्राई कर सकते हैं हम, बट कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड सो प्रोफेशनल। एंड अगेन हम यहाँ पे इसको अगर इंटर करते हैं, सेंड करते हैं, ओके। पर ओके। कोलेबरेटर क्लाइंट बोलना, बोल। यस हमने कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है ओके। ये भी हमारा ये जो आ रहा है डॉट का साइन ये नहीं हो, ट्राई करते हैं, क्या पता अभी भी हम गलत हो सकते हैं, क्या पता ओके ये HTTP भी ना ले रहा हो। ठीक है ट्राई ओके करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको। क्या एंड अगेन हम इसको सेंड करेंगे, वनडेड ओके ओके आ गया। बर्फ कोलेबरेटर क्लाइंट पोल नाम, ऐसा कर रहा है कुछ तो गड़बड़ किया होगा। बेसिकली हमारा पेलोड क्या था, एंड काम करते हैं मैनुअली, वैसे ही करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो कमांड था हमारा जस्ट उसी को यूज करते हैं। वैसे ये HTTP का रिक्वेस्ट लेना चाहिए इसको, इसमें मैं श्योर हूँ। प्रोसीड एंड अगेन, क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड वर्क कोलेबरेटर सब डोमेन, वो हमने जो डाला था वो बस सब डोमेन की जगह पर डालना था ना, कि वेब कोलेबरेटर का भी निकाल के डालना था वहां पर। नहीं वर्क कोलेबरेटर का सब डोमेन ही पड़ेगा बस और कुछ नहीं, जो ये है ना इतना पार्ट ही इसका पड़ेगा। तो सब डोमेन की जगह पर डालना होगा ना हमें, तो हाँ हमने हाँ ये वो ट्राई पहला करते हैं, कोई डॉट पर दिक्कत कोलेबरेटर निकाला था। होगा बस HTTP में भी या ना ले, हम इतना ही एंटर करके ट्राई करते हैं। ठीक है ओके ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है ना, कोलेबरेटर सर्वर का URL भी चेंज हो जाता है, तो उसको भी ध्यान देना, दोबारा फिर से कॉपी कर लेना, मे बी उसका भी इशू हो सकता है। बट अगर तुम अगेन कॉपी नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कि ऑटोमेटिक हो जाए, बट कभी कभी हो भी जाता है। पेस्ट करेंगे, सेंड करेंगे, 200 ओके, क्या हमको रिस्पांस मिला, यस HTTP नहीं ठीक लिया है। उसने। वो HTTP का ही इशू था, बट मुझे लगा कि क्या पता ले ले। अगर तुम देखोगे ये जो रिप्लाई आ रहा है ये बेसिकली DNS का लुकअप कर रहा है या जो भी कर रहा है, डॉट के थ्रू यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। अगर ये बड़ा होगा, मैं एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है इसको कॉपी किया एंड अगेन। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये डॉट के थ्रू सेपरेट कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था जो भी इसका रिस्पांस आएगा उसके उसके आगे साथ मिलेगा। उसके आगे एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी पासवर्ड होगा वो ऐड होके आएगा। ठीक है इसका मतलब ये जो है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का मे बी ये पासवर्ड हो सकता है। मैं इसको कॉपी करूंगा एंड माई अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड, ओके लॉग इन, क्या लॉग इन हो रहा है। ठीक है हमारा लैग सक्सेसफुली सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है कोई इशू नहीं है। और क्या पता यहाँ पे भी तुमको मिल जाए, ये DNS लुकअप देखो जो है ना इसी के थ्रू हम कर रहे थे, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था सारे लोग चीट सीट को जितना ध्यान में एकदम माइंड में सेट कर लो, हर जगह काम आएगा तुम्हारा। और के पहले वाला लैब इसके ऊपर था DNS लुकअप के ऊपर जहाँ पे हम कर रहे थे, एंड अब जो अभी वाला लैब था करेंटली लैब जो है ओके वो इस चीज़ के ऊपर है। और अगर तुम कमांड पे फोकस करोगे तो बेसिकली हम इस कमांड का यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट डीएनएस ओरेकल वाले। यस से। ठीक है यस लास्ट लैब बचा होगा,
और ये बहुत ही अच्छा लैब है, क्योंकि इसको करने में मुझे 1 घंटे लगे थे जब मैंने किया था पहली बार। अरे वाह, चलिए कभी मे भी मैं कर ले जाऊंगा। ओके तो ये लैब क्या कह रहा है, दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन इट्स स्टॉप चेक फीचर, द रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी आर रिटर्न इन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स, सो यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अदर टेबल। द डेटाबेस कंटेन्स अ यूजर टेबल व्हिच कंटेन्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड टू ऑफ रजिस्टर्ड यूजर, टू सॉल्व द लैब परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टू रिट्रीव द एडमिन यूजर्स क्रेडेंशियल देन लॉग इन इंटू दियर अकाउंट। ये हमारा लैब है, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, मेरी कोलेबरेटर की जरूरत यहाँ पे नहीं है हमको। बट ये एसक्यूएल इंजेक्शन विद फिल्टर बाईपास, इसको मैं अभी दिखाता हूँ। इसमें क्या होगा ना, ये डायरेक्ट डिटेक्शन यहाँ पे हो सकता है। लाइक अगर तुम कभी भी एसक्यूएल आई का कमांड किसी वेब एप्लीकेशन पे डालते हो और वो डिटेक्ट करेगा, तो वो डायरेक्ट सर्वर तुमको ब्लॉक कर देगा, तो उसके ऊपर ये ओके लैब है। ठीक है, डियर हिस्ट्री एंड अगेन हम इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, एक हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट आई होगी, इसको हम रिपीटर पे सेंड कर देंगे। एंड अगेन हमको किसी ना किसी एक स्टॉक को ओपन करना पड़ेगा। क्या इसका आ रहा है कुछ भी रिस्पॉन्स में? 200 200 इतने ही है एक स्टॉक। चेक स्टॉक कैसे? हाँ, सेकंड डालो। यस, ये हमको एक प्रोडक्ट का चेक स्टॉक का सेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसको हम रिपीटर पे सेंड कर लेंगे। ओके, एक सेकंड, सेंड टू रिपीटर। ठीक, ये भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लैब के थोड़ा सा सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व दैट द स्टॉक चेक फीचर सेंड द प्रोडक्ट आईडी एंड स्टोर टू द एप्लीकेशन इन एक्सएमएल फॉर्मेट, सेंड द पोस्ट प्रोडक्ट स्टॉक रिक्वेस्ट टू वर्क रिपीटर, ये हमने कर दिया। इन वर्क रिपीटर प्रोब द स्टोर आईडी टू सी वेदर योर इनपुट इज इवेल्युएटेड, फॉर एग्जाम्पल ट्राई रिप्लेसिंग द आईडी विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट इवेल्युएट टू अदर पोटेंशियल आईडीज फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो अगर स्टोर आईडी के अंदर हम ये वैल्यू देते हैं, क्या हमको रिप्लाई में मिलता है? हम चेक करेंगे स्टॉक चेक प्रोडक्ट वन इज इक्वल टू स्टोर आईडी में बोल रहा है ना ये, इन द स्टोर आईडी टू सी स्टोर स्टोर आईडी। आईडी। यस, एंड स्टोर आईडी हमारा ये है ये अंदर प्लस। अगर हम इसको सेंड करते हैं, क्या हमको कोई वैल्यू मिल रहा है? ओके, ओके। ये बेसिकली ये बता रहा है कि कितने स्टॉक्स इस चीज के है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है हमारा जिसपे हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अगर यहाँ पे देखोगे तुम ध्यान से, ये प्रोडक्ट हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है, ये बेसिकली जब भी हम 1+1 एंटर कर रहे हैं, ये बता रहा है कि इसके जो है 249 यूनिट्स अभी भी अवेलेबल हैं, सेलिंग के लिए हो या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड अगेन ऑब्जर्व दैट योर इनपुट अपीयर्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय द एप्लीकेशन रिटर्निंग द स्टॉक फॉर डिफरेंट स्टोरीज। हो गया, ट्राई डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम रिटर्न बाय द ओरिजिनल क्वेरी बाय अपेंडिंग अ यूनियन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू द ओरिजिनल स्टोर आईडी। अगर हम यहाँ पे एक एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करते हैं, लाइक यूनियन सेलेक्ट नल, और नल का यूज तुमको पता होगा किस लिए करते हैं, कॉलम फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, मैं यहाँ पे स्टोर का आईडी नहीं, यूज प्रोडक्ट कर, आईडी के अंदर। ठीक, यूनियन सेलेक्ट नल हाँ, एंड मे बी बिना यूआरएल इनकोडिंग के कर दे। देखो, जब भी हम यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की कोई भी क्वेरी चलाएंगे, सर्वर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है, और वो यहाँ पे तो दे रहा है रिप्लाई हमको अटैक डिटेक्टेड,
बट मे बी रियल वेबसाइट पे हमको ना दे, बट अगर उसकी कोई सॉक टीम होगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे तुम करोगे तो उसको एक टिकट जनरेट हो जाएगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे अगर तुम देखोगे जो एक्सएमएल ने बोला था एक्सएमएल एंटिटीज में जा रहा है ना ये, भी जो भी हमारा रिस्पॉन्स जा रहा है यस एक्सएमएल एंटिटीज में जा रहा है बाईपास द वेब एज यू आर इंजेक्टिंग इन टू एक्सएमएल, जो भी कोड है हमारा यहाँ पे वो बेसिकली एक्सएमएल में जा रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे एक्सएमएल के कोड के अंदर जा रहा है, ना कि एचटीएमएल, एक्सएमएल वर्जन दिस दिस इंकोडिंग यूटीएफ8 एंड उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर हम अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक वैलिड में भी एसक्यूएल क्वेरी हो सकती है या फिर है। तो क्योंकि ये जो अटैक डिटेक्ट कर रहा है ना वो बेसिकली तुम्हारा जो लाइक पेलोड्स होते हैं लाइक यूनियन सेलेक्ट वो इन वर्डिंग के थ्रू डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म किया जा रहा है इस वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वन वे टू डू दिस इज यूजिंग हैकवर्टर एक्सटेंशन, जस्ट हाईलाइट योर इनपुट राइट क्लिक एंड सेलेक्ट एक्सटेंशन हैकवर्टर इनकोड डेक्स डेक एंटिटीज डेक्स एंटिटीज एक्सेप्ट रिसेंड द रिक्वेस्ट एंड नोटिस दैट यू हैव नाउ रिसीव्ड अ नॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम द एप्लीकेशन, दिस सजेस्ट दैट यू हैव सक्सेसफुली बाईपास द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। हम ये बेसिकली जो हमारा फायरवॉल डिटेक्ट करके हमको बता रहा है उसके लिए तुमको एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी हैकवर्टर की, और इसको तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो में जाके वेब स्टोर सॉरी एक्सटेंडर वेब स्टोर एंड यहाँ पे जब सर्च करोगे ना हैकवर्ड बिल्कुल देखो हैकवर्ड है, इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना इस लैब में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ओके जब डाउनलोड करोगे तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं हमको बेसिक रिपीटर में, जब भी हम इस रिक्वेस्ट को हाईलाइट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे एक्सटेंशन, फिर हम हमको एक्सटेंशन पे जाना है हैकवर्टर, देन हमको डेक किस पे कह रहा था ये बेटा मिनट मुझे देखने दो, हैकवर्टर डेक कोड एंटिटीज के अंदर हेक्स एंटिटीज एक्सटेंशन हैकवर्टर इन कोड और एंड हेक्स एंटिटीज। ठीक है, हाँ अगर हम इसका यूज कर लें और फिर से हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमारा मे बी ये नॉर्मल वैल्यू रिटर्न करेगा और एक था इसके अंदर शायद हेक्स के अंदर एक्स एंटिटीज का ही यूज करना है यहाँ पे। हाँ और यहाँ पे देखना हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए एक नल वैल्यू दी जाती है, ये सबको पता होगा। अगर हम मे बी इसकी वैल्यू बढ़ा दें अभी तो ये हमारा इसके अंदर ये फायरवॉल को बाईपास करने के लिए कोड हमारा जनरेट हो ही चुका है, इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं एक कॉलम और चेक करना चाहूँ कि क्या इस डेटाबेस में ज़्यादा कॉलम है तो उसके लिए हमें एक कॉलम एक नल की वैल्यू और इंक्रीज कर देंगे। और अगर जीरो तो मैं इसको सेंड करूँ क्या आ रहा है, नहीं 0 यूनिट्स हो गया। इसका यूनिट्स मतलब क्या एक हुआ ही कि कॉलम है। एक ही कॉलम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है यस जिसमें हमको 905 यूनिट्स जो भी उसकी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो दिखा रहा है। अगेन क्राफ्ट एंड एक्सप्लॉइट पिक अ फेयर यू लेफ्ट ऑफ एंड डिड्यूस द क्वेरी रिटर्न्स अ सिंगल कॉलम, व्हेन यू ट्राई टू रिटर्न मोर देन वन कॉलम द एप्लीकेशन रिटर्न 0 यूनिट। ये हमको दिख गया, हाँ जब भी हम एक से ज़्यादा कॉलम चेक कर रहे हैं कि क्या एक से ज़्यादा कॉलम है इस डेटाबेस में वो हमको 0 यूनिट्स रिप्लाई या रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, इम्प्लाइंग एन एरर एज यू कैन ओनली रिटर्न वन कॉलम यू नीड टू कंकैटिनेट द रिटर्न यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर हमारे पास एक कॉलम है और यही चीज़ था यही तुम्हारा इशू था ना, क्योंकि जो अभी तुमने बोला था इसी चीज़ का इशू आ रहा था ना तुमको इसी कमांड का, तो लास्ट लैब हमने किए हुए थे वहाँ पे भी बेसिकली जब हमारे पास एक ही कॉलम था और हमारे पास दो हमको दो वैल्यू फाइंड आउट करना था लाइक यूजर नेम भी फाइंड आउट करना पासवर्ड भी, पासवर्ड भी हम एक ही साथ जो है उनकी वैल्यू को सेपरेट करके इंटर कर रहे थे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस वैल्यू को इंटर करूँ और वैल्यू हमारा ये है, इसमें कंफ्यूज मत होना कोई भी।
क्योंकि मैं स्टोर आईडी वगैरह को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट करूंगा। वन यूनियन सेलेक्ट यूजर नेम एंड सेपरेट कर दो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी है इस डेटाबेस में, जितने भी यूजर नेम है और जो जितने भी पासवर्ड है वो सारे के सारे एक ही साथ डंप हो जाएंगे। वो कोई भी यूजर होगा, कोई भी पासवर्ड, चाहे वो एडमिन का हो चाहे किसी नॉर्मल यूजर का हो, सारे पासवर्ड एंड यूजर नेम डंप हो जाएंगे फ्रॉम यूजर्स। ओके 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 इसको पेस्ट कर दूं एंड अगेन अगर मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूं, देखो यहाँ पे हमको कार्लोस यूजर का पासवर्ड मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड मिल रहा है और बीनर यूजर का, बट हमको एडमिनिस्ट्रेटर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन कर, जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड कॉपी करेंगे एंड अपने लैब पे जाएंगे, माय अकाउंट, यूजर नेम हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है एंड पासवर्ड जो हमारा है वो जो हमने कॉपी और सक्सेसफुली हमने लैब को सॉल्व कर लिया। और भाई लोग इसी के साथ हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन भी खत्म हो गया। मे बी अगर इन फ्यूचर हमारे और लैब ऐड हो रहे हैं तो हम उनको फिर से करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मे बी फाइल अपलोडिंग या ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ा सा पढ़ लेना दोनों टॉपिक में से। मे बी मैं पहले ट्राई करूँगा फाइल अपलोडिंग का, छोटे छोटे लैब कर लो, छोटे छोटे टॉपिक्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे। मिनिमम 8-10 टॉपिक अगर हम जल्दी से कवर कर लेंगे ना तो हम रियल वेबसाइट पे प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। कम से कम 8-10 वल्नरेबिलिटीज को तो हम टेस्ट कर ही सकते हैं ना, सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही अब है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक को लेके चलूँ लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करेंगे तो सारे लैब्स, ऐसी बात नहीं कि हम कोई भी लैब छोड़ेंगे, बट मेरा ये टारगेट है कि तुम लोग जितनी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों को समझ लो, छोटे छोटे अटैक्स को ट्राई करो, रियल वेबसाइट्स पे आउट करने का ट्राई करो, हैकर वन पे कहीं पे बग क्राउड पे, तो प्रैक्टिस करते रहो। अगर इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, या जिसको भी अगर एसक्यूएलआई में किसी में प्रॉब्लम होगा मुझे भैया बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगेन मैं देख लूँगा जो जहाँ पे भी तुमको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई इशू जो नहीं।